के ताजा मौसम समाचारों के अपडेट में बात करेंगे संपूर्ण भारतवर्ष के अगले 24 से 48 घंटों के मौसम विभाग के समाचारों की, कि देश के किन किन राज्यों में आज बदलने वाला है मौसम का मिजाज, तो देश के किन किन राज्यों में आज बारिश की है संभावना, तो देश के किन किन राज्यों में अब और बढ़ेगा पारा, पूरी जानकारी देंगे आपको इस अपडेट में। बात करते हैं आज के पहले अपडेट की, तो पश्चिम विक्षोभ देश में हुआ है एक्टिव, कई राज्यों में हो सकती है प्री मानसून बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। उत्तर भारत में गर्मी का तांडव जारी है, वे अप्रैल में ही यहां पर मई और जून जैसी गर्मी लोगों को झेलनी पड़ रही है। उत्तर भारत में आने वाले दिनों में गर्मी से राहत मिल सकती है, यानी आज लोगों को राहत मिल सकती है, क्योंकि पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होने के कारण देश में प्री मानसून की गतिविधियां चालू हो सकती है, जिससे तापमान में कमी आएगी। वही भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अपने ताजा अपडेट में कहा है कि अगले 3 दिनों के दौरान महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, झारखंड के पूर्वी हिस्सों और बिहार के साथ साथ पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, बादल वगैरह छाए रह सकते हैं। वही मौसम विभाग ने कहा है कि पुणे और पुणे के अलावा रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और कोल्हापुर, नांदेड़, उस्मानाबाद, अमरावती और चंद्रपुर, गढ़चिरौली, गोंदिया और इसके अलावा नागपुर, वर्धा और हिंगोली में गुरुवार से लेकर शनिवार तक बारिश होगी। यह इस साल में यहाँ पर पहली प्री मानसून बारिश यहाँ पर होगी, इसे लू से जो लू की मार झेल रहे लोगों को यहाँ पर राहत मिलेगी, इसलिए इन जगहों पर मौसम विभाग की ओर से अलर्ट यहाँ पर जारी कर दिया गया है। तो वही अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वोत्तर भारत में तमिलनाडु और यहाँ पर पूर्वोत्तर भारत और तमिलनाडु के आंतरिक हिस्सों, कर्नाटक और केरल के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वही मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंतरिक कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के दक्षिण हिस्सों में भी बारिश यहाँ पर हो सकती है, मौसम विभाग की ओर से अपडेट किया गया है। तो भाई अगले 24 घंटों के दौरान गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड में भी लू की रफ्तार बढ़ सकती है, तो भाई असम, त्रिपुरा और मेघालय में हल्की बारिश हो सकती है, जबकि अरुणाचल प्रदेश, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल में भी मेघ बरस सकते हैं। इन जगहों पर बारिश होगी, यहाँ पर बारिश तब होगी जब तेज हवा यहाँ पर चलेगी, उस वक्त हवा की गति यहाँ पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा या फिर 60 किलोमीटर के बीच में यहाँ पर रह सकती है। वैसे आपको बता दें कि मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार मानसून जो है 2022 सामान्य से अच्छा रहने वाला है, इस बार अगली बार से भी यहाँ पर अच्छी बारिश यहाँ पर होने वाली है। भाई मौसम विभाग ने कहा है कि मानसून की बारिश किसानों के अनुकूल इस बार रहेगी, साथ ही किसानों की फसलों को काफी यहाँ पर अच्छा लाभ होगा। कुल मिलाकर इस बार मानसून से यहाँ पर मानसून जो है वो इस बार अच्छी बारिश देगा, यानी सामान्य से इस बार भी अधिक बारिश होने का अनुमान यहाँ पर लगाया गया, यानी कुल मिलाकर अच्छी बारिश से लोगों को यहाँ पर राहत मिलेगी। वही देश के अलग अलग राज्यों के मौसम मतलब मौसम की बात करें तो यहाँ पर राज्य भर मौसम विभाग की बात करें, सबसे पहले बात करते हैं बिहार राज्य के मौसम अपडेट की, तो बिहार में चिलचिलाती गर्मी से राहत और बारिश के हैं आसार। बिहार में पड़ रही चिलचिलाती गर्मी और धूप से मंगलवार को रात के बाद काफी लोगों को राहत मिली है। मुजफ्फरपुर और उत्तर बिहार में मंगलवार को रात से मौसम मिजाज यहाँ पर बदल गया। इसके अलावा यहाँ पर पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी और दरभंगा में आंधी और बारिश और गिरने के साथ साथ लोगों को यहाँ पर गर्मी से राहत यहाँ पर मिली है, यानी बारिश वगैरह यहाँ पर हुई है, इससे लोगों को यहाँ पर गर्मी से राहत हुई है। वही मोतिहारी, बेतिया और नारकोटियागंज और मधुबनी, सहरसा समेत कुछ जिलों में यहाँ पर तेज हवा के साथ बारिश हुई है। वही पटना के कुछ इलाकों सहित वैशाली और मुजफ्फरपुर के कुछ इलाकों में यहाँ पर कल बारिश यहाँ पर देखने को मिली है। वही मौसम विभाग की ओर से आज यहाँ पर सुपौल, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, कटिहार और आदि इलाकों में यहाँ पर हल्की बारिश हो सकती है। प्रदेश के दक्षिणी भागों को छोड़कर उत्तर बिहार और पूर्वी उत्तर बिहार के क्षेत्रों में 2 से 4 डिग्री तापमान में गिरावट होने के आसार यहाँ पर जताए गए। कुल मिलाकर ये बात है कि बिहार के अंदर मौसम यहाँ पर लगातार बदल रहा है, जिसके कारण लोगों को यहाँ पर गर्मी से राहत मिली हुई है। बात करते हैं अब झारखंड राज्य के मौसम अपडेट की, तो झारखंड में मौसम विभाग ने जारी है बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग की चेतावनी बारिश होगी और रांची सहित झारखंड के कई जिलों में यह बारिश की चेतावनी यहां पर जारी की गई है। दरअसल पिछले 24 घंटों के दरमियान राजधानी रांची समेत झारखंड के सभी हिस्सों में मौसम बदलता हुआ नजर आ रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने भी अगले 2 से 3 दिन के अंदर यहाँ पर बारिश होने का पूर्वानुमान जारी किया है। राजधानी रांची में आंशिक बादल छाए रहने के साथ साथ मेघगर्जन के साथ हल्की बारिश की संभावना है। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे से जो रफ्तार है वो चलने की बारिश की मतलब जो हवा की रफ्तार है वो यहाँ पर है, इसके कारण बारिश यहाँ पर होगी। राज्य के उत्तरी पूर्व यानी देवघर, धनबाद, दुमका और केरडही और कोहड़ा और इसके अलावा यहाँ पर जामतड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज में यहाँ पर कई कई आंशिक बादल छाए रहने और मेघगर्जन के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है। तो भाई मौसम विभाग के अनुसार कल यहाँ पर बोकारो, गुमला और हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़ के साथ साथ पूर्व पश्चिमी
सियाबुंग और इसके अलावा यहाँ पर सिमडेगा और सरायकेला खरसावा में कई कई बादल छाए रह सकते हैं, कुछ इलाकों में बारिश की संभावना है। वहीं बीते 24 घंटों में यहाँ पर प्रदेश के कई इलाकों में अच्छी बारिश हुई, जिससे लोगों को गर्मी से राहत यहाँ पर मिली है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी करते हुए दक्षिणी गुमला और सिमडेगा, धनबाद और गेढ़ाई कुछ हिस्सों में अगले यहाँ पर 2 से 3 दिनों के अंदर मध्यम दर्जे और गर्मी गजर के साथ बर्फबात के साथ बारिश की संभावना जताई। इन जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने के आसार जताए गए। कुल मिलाकर इन राज्यों में यानी झारखंड और बिहार दोनों राज्यों में अच्छी बारिश की संभावना यहाँ पर जताई गई है। दोनों राज्यों में इस बार यहाँ पर जो प्री मानसून की बारिश है वो अच्छी होगी। चलिए बात करते हैं अब गुजरात राज्य के मौसम अपडेट की। तो गुजरात में बता है मौसम का मिजाज, कुछ राज्यों के कुछ इलाकों में यहाँ पर हुई है बारिश। गुजरात में इस बार प्री मानसून की बारिश यहाँ पर हो चुकी है। वही प्रदेश के विभिन्न भागों में बुधवार को मौसम का मिजाज बदला है। सौराष्ट्र के कुछ इलाकों में बूंदाबांदी और हल्की बारिश, तो अहमदाबाद में भी यहाँ पर बादलों की आवाजाही के बीच तापमान में गिरावट हुई है। वही संभावना जताई जा रही है कि आज भी यहाँ पर राज्य के कई इलाकों में बारिश हो सकती है। अहमदाबाद शहर में बुधवार को सुबह से यहाँ पर कुछ दिनों की तुलना में गर्मी से राहत रही। वही बादलों की आवाजाही के बीच शहर में अधिकतम तापमान 39.6 डिग्री, जो कि पिछले कुछ दिनों से कम चल रहा है। वही दूसरी ओर राजकोट अमरेली समेत कुछ हिस्सों में बारिश के चलते तापमान 9 डिग्री तक लुढ़ गया। राजकोट में अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पिछले दिनों शहर का तापमान 42 डिग्री पार रहा है। मौसम में इस बदलाव के कारण गर्मी से राहत मिली है। राज्य के अन्य हिस्सों में तापमान में गिरावट आई है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिम विक्षोभ के चलते ये मौसम में बदलाव आया है। वही आज भी राज्य के आनंद, दोहदा और माही सागर और वड़ोदरा, भरूच और सुरेंद्रनगर में हल्की बारिश हो सकती है। इस दौरान कहीं कहीं तेज हवा के साथ हल्की बारिश और तेज हवा यहाँ पर तो तेज हवा का दौर भी यहाँ पर जारी रहने की संभावना जताई गई है। यानी गुजरात के कई इलाकों में यहाँ पर आज मौसम का मिजाज जो है वो बदलने वाला है। यानी मौसम का मिजाज जो बदलेगा, इसके कारण कई इलाकों में अच्छी बारिश होने की संभावना जताई गई है। बात करते हैं अब राजस्थान राज्य के मौसम अपडेट की। तो राजस्थान में फिर बदला है मौसम का मिजाज। उदयपुर, जोधपुर, अजमेर संभाग के कुछ जिलों में बादलों की आवाजाही है जारी। राजस्थान के कई शहरों में बुधवार को दोपहर बाद मौसम में बदलाव आया है। तापमान में गिरावट हुई। उदयपुर, जोधपुर और अजमेर संभाग में धूलभरी आंधी के चलने के साथ साथ आसमान में बादल छा गए। तो वही बूंदाबांदी होने से लोगों को राहत मिली है। वही जयपुर मौसम विभाग केंद्र के मुताबिक पाली, जालोर, सिरोही, उदयपुर, राजसमंद और जोधपुर, भीलवाड़ा, अजमेर सहित कई शहरों में कल दोपहर 3 बजे के बाद मौसम बदला और आसमान में हल्के बादल छाने के साथ ही इन शहरों में तेज हवा चलने लगी। वही तो ऊपर उमस भरी गर्मी से लोगों को, जो परेशान लोग थे, उनसे को राहत मिली है। उदयपुर शहर में बूंदाबांदी से 12-40 डिग्री से नीचे चला गया। वही उदयपुर के अलावा जयपुर, चूरू, नागौर, बाड़मेर और सिरोही, जालौर सहित कई शहरों में 19 अप्रैल के मुकाबले दिन में जो तापमान है उसमें 2 डिग्री गिरावट यहाँ पर आई है। हालांकि पूर्वी राजस्थान के धौलपुर, करौली और कोटा बूंदी सवाई माधोपुर टोंक में भी आज गर्मी के तेवर यहाँ पर जारी रहने की संभावना है। वही कुछ इलाकों में बादल छाए रह सकते हैं। वही धौलपुर में दिन का तापमान 44 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किया गया है। वही जयपुर मौसम विभाग केंद्र के मुताबिक ये कहा गया है कि जयपुर में यहाँ पर आज भी प्रदेश के कई इलाकों में यहाँ पर बारिश की संभावना जताई गई है, जिसमें अजमेर, अलवर, फतेहपुर, दूसरा, झुंझुनू, सवाई माधोपुर, पश्चिम राजस्थान के पाली, गंगानगर, जोधपुर, बीकानेर में दोपहर तक यहाँ पर बारिश हो सकती है। वही यहाँ भी हवा जो है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। यानी कुल मिलाकर इन इलाकों में जो हवा की रफ्तार है वो तेज होगी, लेकिन ये हवा यहाँ पर लू वाली हवा नहीं होगी। बात करते हैं अब मध्य प्रदेश राज्य के मौसम अपडेट की। तो मध्य प्रदेश में फिर बदला है मौसम का मिजाज। 7 जिलों में पड़ी है बौछारें, बिजली गिरने का भी हालत हुआ है जारी। एमपी के अंदर मौसम अचानक यहाँ पर बदल गया है। कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश, तो कई जिलों में लू की चेतावनी जारी की गई है। वही मौसम विभाग केंद्र ने आज के लिए 7 जिलों में यहाँ पर गरज चमक के साथ बारिश और 9 जिलों में हीट वेव की चेतावनी जारी की है। 20 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की भी चेतावनी है। 23 अप्रैल के बाद एक बार फिर प्रदेश में मौसम का जो बदलाव है वो देखने को मिलेगा। वही एमपी मौसम विभाग के अनुसार आज 19 जिलों में कुछ इलाकों में यहाँ पर बादल छाए रहेंगे, कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। जिन जिलों में ये मौसम में जो बदलाव है वो देखने को मिलेगा, उनमें यहाँ पर कुछ इलाकों में तेज हवा चलेगी। वही सबसे अधिकतम तापमान की बात करें तो प्रदेश में सबसे ज्यादा तापमान यहाँ पर नौगांव, नर्मदापुर, मुख्यों में दर्ज किया गया है। 45 डिग्री के आसपास यहाँ पर तापमान दर्ज किया गया है। विपक्षी विक्षोभ के साथ इंदौर और आसपास के इलाकों में आंधी चलने के साथ साथ धूल भरी आंधी के साथ साथ बारिश हो सकती है। 24 अप्रैल तक मौसम में यह बदलाव देखने को मिलेगा। वही अप्रैल माह के अंत तक इंदौर और ग्वालियर समेत कई इलाकों में लू चलने की संभावना जारी की, यहाँ पर चेतावनी दी गई, यानी लू चलेगी।
वही एमपी मौसम विभाग के अनुसार अलग स्थानों पर बने चार वेदर सिस्टम के कारण मध्य प्रदेश के अंदर जो मौसम है वो यहाँ पर बदल गया, यानी एमपी के मौसम में ये बदलाव आ रहा है, जिसके कारण कई इलाकों में ये ऐसी स्थितियाँ बन रही है। वही आज जिन जिलों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई गई उनमें बड़वानी, अलीराजपुर, झुआ और रतलाम, नीमच और मंदसौर, ग्वालियर में यहाँ पर ये बारिश की चेतावनी जारी की गई है।